हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड रेडी फॉर स्टडी. बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नेम है बच्चे तानसेन एंड हिज टीचर. सो फर्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पर? स्पेल बाउंड. स्पेल बाउंड होता है बच्चे कंप्लीटली अटेंटिव होकर बैठना, ठीक है? स्पेल बाउंड. हार्ट वार्मिंग, मेकिंग हैप्पी, मतलब दूसरों को खुश करने वाला, हार्ट वार्मिंग. पिलग्रिमेज क्या होता है बच्चे? पिलग्रिमेज होता है रिलीजियस जर्नी, जो धार्मिक जर्नी होती है, यात्राएं होती हैं, जैसे जाते हैं तीर्थ यात्रा वगैरह पे, उसको बोलते हैं पिलग्रिमेज. ग्रोव मीन्स होता है फ्रूट गार्डन. एंड रिफ्यूज, शेल्टर. सो लेट्स किक ऑफ बच्चो. द पैलेस वॉज फिल्ड विद द गोल्डन वॉइस ऑफ द कॉर्ट सिंगर तानसेन. हिज लिम्पिड स्वीटनेस स्प्रेड एंड एंचोर्ड इन टू द लार्ज चैम्बर्स वेयर द एम्परर अकबर सेट विद हिज कर्टियर्स एंड इट स्प्रेड इट्स मेलेडियस टोन इन टू द कॉरिडोर्स दैट लेड इन टू द इनर मोस्ट हर्ट ऑफ द पैलेस वेयर द एम्प्रेस एंड हर मेडन्स सेट इन द एनरेप्चर्ड साइलेंस ईच वन सेट स्पेल बाउंड फॉरगेटिंग अबाउट वन सेल्फ. अब यहाँ पर बच्चे पैलेस के बारे में, पैलेस क्या होता है? महल, ठीक है? जो महल है वो किससे भरा हुआ है? फिल्ड होता है गोल्डन वॉइस ऑफ द कोर्ट सिंगर तानसेन. तो तानसेन कौन है बच्चे? तानसेन यहाँ पर सिंगर है जो कोर्ट में गाता है, उसकी बहुत प्यारी मधुर आवाज है. स्वीटनेस स्प्रेड, वो हर जगह क्या फैला देता है पूरे कोर्ट के अंदर, स्वीटनेस, ठीक है, अपनी मीठी आवाज. और सब लोग वहां पर बैठे होते हैं, जिनके साथ कौन बैठा है? एम्परर अकबर वहां पर बैठा है अपने कर्टियर्स के साथ. और मेलेडियस टोन वहां पूरे कॉरिडोर में ऐसे फैली होती है कि लोग बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, ठीक है? मतलब उनको याद ही नहीं रहता कि हम कौन है. और जैसे ही वो गाना बंद कर देते हैं, तब वो अपने आप को फील करते हैं कि हाँ, हम कहीं पर प्रेजेंट है. मतलब इतना खो जाना किसी चीज में. ओके, सभी. आफ्टर द सिंगिंग सीज्ड, मेनी कुड बी सीन ब्रीदिंग हार्ड एज इफ ट्राइंग टू कम बैक टू द रियल वर्ल्ड फ्रॉम द ड्रीम वर्ल्ड इन विच दे हैड बीन वेंचरिंग. मैनी आईज वॉटर डाउन एज दे रिकलेक्टेड देयर पास्ट इंसिडेंट. सो इम्प्रेसिव, हार्ट वार्मिंग एंड हार्ट टचिंग द सिंगिंग वॉज. सो जैसे ही वो अपने गाने को बंद करते हैं, सीज करना क्या होता है बच्चे? गाने को बंद करते हैं, ठीक है? गाना बंद होने के बाद जो तानसेन है, ठीक है, तानसेन ने जैसे बंद किया गाना गाना, तो वहां पर लोग एक गहरी सांस लेते हैं, डीप ब्रेथिंग करते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग हार्ड. और जैसे होता है ना, हम सपने से जाग गए, ऐसे जोर से गहरी सांस लेना, ऐसे करते हैं, ठीक है, अपने रियल वर्ल्ड में आते हैं. कहाँ से? जो सपने में खोए हुए थे ना, सपने वाले दुनिया में, ड्रीम वर्ल्ड में, तो वहां से बाहर निकलते हैं. और सबकी आंखें कैसी हैं? ज्यादातर आंखें जो हैं वो वॉटर्ड हैं, आईज वॉटर्ड, मतलब आंखों में पानी भर गया है. कुछ अपना रिकलेक्ट करने लग जाते हैं, याद करने लग जाते हैं अपने पास्ट इंसिडेंट्स को, ठीक है? तो इस तरह से वो कैसा है? दूसरों को कितना सुख देने वाला है, कितना हार्ट टचिंग है उनका गाना. इन द ऑडियंस चैम्बर्स तानसेन, हुज वंडरफुल वॉइस हैड roused memories sad sweet and glad in the hearts of the hearers stood smiling before the emperor who showered upon his praises and gifts because of the joy his song had given him of all his courtiers and subjects tansen was to him the dearest and the best friend it was his golden voice that filled the heavens with its beauty. ab jo audience chamber hai bacche, jahan par audience baithi hui hai, ठीक है, उस रूम के अंदर, उसको चैम्बर बोलते हैं बच्चे वहां पर, है ना? चैम्बर मतलब रूम हो गया एक तरह से, जहां पर ऑडियंस बैठी हुई है. तो तानसेन जो है वो क्या फील करा रहे हैं? हुज वंडरफुल वॉइस, जिसकी बहुत प्यारी आवाज है, वंडरफुल वॉइस है, वो उनको मेमोरी रिकलेक्ट करा रहे हैं, उनकी कुछ दुख वाली, कुछ स्वीट वाली, कुछ ग्लैड वाली, ठीक है? उनके जो दिल हैं, जिनकी आवाज वो सुन रहे हैं, वो खड़े हो जाते हैं अपनी स्माइलिंग के साथ, ठीक है, एम्परर के आगे. और क्या देखते हैं? हु शॉर्ड अपॉन हिज प्रेजेज, और प्रेज करने लग जाते हैं, उनकी तारीफ करने लग जाते हैं कि कितना प्यारा वो गाना गा रहे हैं. इस तरह से सब पूरे उसमें चैम्बर के अंदर तानसेन वॉज टू हिम द डियरेस्ट एंड द बेस्ट फ्रेंड के रूप में उनको जाने लग जाते हैं. उनकी जो गोल्डन वॉइस है बच्चे, वो फिल्ड करती है हेवंस विद इट्स ब्यूटी, कि वो कहाँ पर आ गए हैं? स्वर्ग में आ गए हैं, उस ब्यूटी को निहार रहे हैं. ओ तानसेन, सेड द एम्परर, टेल मी वेयर फ्रॉम केम द वॉइस ऑफ योर्स. Whence the wonder of it? It is not of mortals, but of the gods. No other voice such as yours blesses the ear of man, my friend. अब जैसे ही जो राजा होते हैं क्या बोलते हैं? Emperor बोलते हैं, ओ तानसेन,
कि तुम्हारी जो इतनी प्यारी आवाज़ है ये कहाँ से आई है, ये तुम्हारी आवाज़ नहीं है, ये लगता है गॉड की आवाज़ है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में बैठकर सुन रहे हैं और गॉड सुना रहा है वो इतनी प्यारी आवाज़, इतना प्यारा सॉन्ग हमें, और वो हमें ब्लेसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि तुम्हें इतनी प्यारी ब्लेसिंग मिली है और ये तुम्हें क्या लगता है कि फील कराती है कि जैसे गॉड ने प्रॉपर तरीके से तुम्हें ब्लेस्ड किया हो। यू आर काइंड ओ सर, द सिंगर रिप्लाइड, बट कुड यू हियर द वॉइस ऑफ हिम हु टॉट मी, हुज ब्यूटी ऑफ वॉइस आई रिफ्लेक्ट टू लिटिल, कुड यू बट हियर हिम, ऑल माई पुअर एफर्ट्स वुड बी फॉरगॉटन। सो अब यहाँ पर ऐसे बोलते हैं, जैसे ही तानसेन से राजा बोलते हैं, एम्परर बोलते हैं, तो तानसेन क्या बोलते हैं, वो सिंगर बोलता है कि यू आर काइंड, क्या आप ऐसा सोचते हो मेरे बारे में कि मेरी इतनी अच्छी आवाज़ है, आपने कभी उनको सुना है जिन्होंने मुझे सिखाया है, अगर आप उनकी आवाज़ सुनोगे ना तो मुझे भी भूल जाओगे, मेरे जो एफर्ट्स हैं, मैं जैसे गलत भी गाता हूँ ना तो मेरी गलतियों को बिल्कुल तुम्हें याद आ जाएगी कि हाँ कि तानसेन उतना अच्छा नहीं गाता, जबकि जो उनका टीच करने वाला है, जिन्होंने उनको सिखाया है, टॉट किया है, वो कितना अच्छा गाते हैं। एवर इज योर आंसर्स दस ओ तानसेन, बट टेल मी हु ही इज द वंडरफुल गुरु। तो बोलते हैं हाँ तुम तो हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हो कि उनकी वॉइस बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे बहुत प्यारा सिखाया, मेरे गुरु हैं, लेकिन कौन है वो जिन्होंने तुम्हें सिखाया है। तो इस तरह से जो एम्परर है वो तानसेन से क्वेश्चन करने लग जाते हैं। ऑफ वंडरफुल वॉइस ही इज बट अ हर्मिट सेड, अ सेंट हु लिव्स इन द जंगल ऑफ वृंदावन, बाय ऑल ही इज नोन एज अ होली मैन एंड हिज वॉइस एज द पावर ऑफ ड्रॉइंग ऑल अनटू हिमसेल्फ, हु एंड विल नॉट योर मैजेस्टी गो विद मी ऑन अ पिलग्रिमेज टू द होली फॉरेस्ट वेयर यू मे हियर फॉर योर सेल्फ द वॉइस ऑफ वंडर्स एंड फॉरगेट दैट तानसेन्स एवर न्यू हाउ टू सिंग। सो अब वो क्या बताते हैं कि वंडरफुल वॉइस उनकी है, इतनी प्यारी आवाज़ तुम बताते हो, तो साथ में बोलते हैं ही इज बट अ हर्मिट, और वो कहाँ पर रहते हैं, बता रहे हैं कि जिन्होंने उनको सिखाया है वो एक सेंट है, ठीक है, संत है, एक सेंट मीन्स क्या होता है बच्चे, संत, ठीक है। और वो कहाँ पर रहते हैं, जंगल के अंदर, और जंगल कहाँ पे है, वृंदावन में, ठीक है, वृंदावन के जंगलों में वो रहते हैं। और क्या है, ऑल ही इज नोन एज अ होली मैन, और उनको एक होली मैन के नाम से उनको जानते हैं, उनकी वॉइस जो है उसके अंदर बहुत पावर ऑफ ड्रॉइंग एंड ऑल अनटू हिमसेल्फ, जब आप उनको सुनेंगे ना मैजेस्टी, ठीक है, आप चलेंगे मेरे साथ विद मी ऑन अ पिलग्रिमेज, एक रिलीजियस जर्नी पर मेरे साथ जब चलेंगे उन होली फॉरेस्ट के अंदर, तो वहां सुन पाएंगे उनकी प्यारी और मधुर आवाज को और फिर मुझे भूल जाएंगे। नो माई फ्रेंड, यूअर्स इज अनजस्ट ह्यूमिलिटी टू फॉरगेट योर गोल्डन वॉइस इज इम्पॉसिबल फॉर देयर इज नन लाइक इट, बट ग्लैडली विल आई गो विद यू टू दिस हर्मिट्स योर गुरु टू प्रूव दैट आई ऑलरेडी नो दैट यू आर अ ग्रेटेस्ट सिंगर्स ऑफ द वर्ल्ड, लेट ऑल बी मेड रेडी फॉर आर जर्नी टूमोरो। सो इस तरह से वो क्या बोलते हैं, नहीं, जैसे वो बोलते हैं ना आप तो मुझे भूल ही जाएंगे, तो बोलते हैं नहीं नहीं मेरे दोस्त, मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी क्या है, तुम्हारी एक गोल्डन वॉइस है, तो आपको भूलना इम्पॉसिबल है, भूल ही नहीं सकता, फॉर देर इज नन लाइक इट, ठीक है, आप जैसी आवाज़ किसी और की नहीं हो सकती, और हम ग्लैडली फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं कि आपने ऐसे गुरु से सीखा है, तो ऐसा करने वाले हम कल हम जर्नी के लिए निकलने वाले हैं। सो द नेक्स्ट डे एज द एम्परर सीटेड ऑन अ ह्यूज एलिफेंट स्टार्टेड अ पिलग्रिमेज विद अ तानसेन टू द लेटेस्ट गुरु, ही सेड टू द सिंगर, आई विश टू नो वन थिंग ओ तानसेन, हाउ डिड यू मीट द सेंट सिंगर्स एंड हाउ डिड यू बिकम हिज प्यूपिल। अब नेक्स्ट डे एम्परर जो है वो बैठ जाता है अपने ह्यूज एलिफेंट पे, ह्यूज मतलब एक बड़ा सा एलिफेंट पर वो बैठ जाता है और स्टार्ट कर देता है पिलग्रिमेज जर्नी को, ठीक है, पिलग्रिमेज अपना जो यात्रा है, निकलना था उनसे गुरु से मिलने के लिए, तो वृंदावन के लिए तानसेन के साथ वो निकलने लग जाते हैं ताकि गुरु से मिल पाए। और फिर इस तरह से बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, विद तानसेन टू द लेटेस्ट गुरु ही सेड टू द सिंगर, आई विश टू नो ऑफ वन थिंग, कह रहे हैं मैं ऐसा सोचता हूँ एक चीज के बारे में, तानसेन हाउ डिड यू मीट, ठीक है, आप कैसे मिले उस सेंट से, उस सेंट सिंगर से आप कैसे मिली और कैसे आपने इन चीज़ों को सीखा, तो आपका कैसे जो हिस्ट्री है वो मुझे एक बार बताओगे। देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड इट योर मैजेस्टी, इट मे इंटरेस्ट यू, सेड तानसेन ही देन नरेटेड हिज दिस स्टोरी। तो उसके बाद वो बोलते हैं हाँ ये काफ़ी अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे कि हम मुझे वो कैसे मिले, कैसे मैंने उनसे सब चीज़ें सीखी हैं, तो इंटरेस्टिंग है, अगर मैं बताऊँगा तो आप भी उसमें पक्का इंटरेस्ट लेंगे ही। तो इस तरह से बोलते हुए वो अपनी स्टोरी बताने लग जाते हैं।
My father was an Brahmin living in the outskirts of the jungle. We were very poor and I was his only child. Often the passerbys from the jungles would stop at our little fruits grove and stay from the trees and fruits that meant the livelihood of our family. जो मेरे फादर थे वो कौन थे? ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण थे और वो रहते थे जंगल के अंदर, ठीक है, इन द आउटस्कर्ट ऑफ द जंगल के अंदर रहते थे. वो काफ़ी गरीब भी थे और उनकी मैं इकलौती औलाद था, मतलब मेरे कोई और बहन भाई नहीं थे. आई वॉज हिज ओनली चाइल्ड. ओके, तो जैसे जैसे वहाँ पर जंगल में वो जाते थे, वो काम क्या करते थे, एक फ्रूट ग्रोव के अंदर, एक फ्रूट गार्डन के अंदर वो काम करते थे, जहाँ पर वो ट्रीज बहुत सारे थे, फ्रूट लगते थे उसके ऊपर, ठीक है, और उसी से हमारा पूरण पोषण, मतलब आप बोल सकते हो हमारी जो लाइफ वुड है, ठीक है, हमारा लाइफ स्टाइल जो है, हमारा खाना पीना, हमारी पूरी फैमिली का उन्हीं से चलता था. वन डे माई फादर सेड टू मी, तानसेन, माई सन, यू हैव टू वॉच दिस साइड ऑफ द ग्रोव एंड कॉल टू दोज वेफियर्स द सिक्स टू स्टील्स फ्रॉम आर ट्रीज. सो उसके बाद बोलते हैं, एक बार क्या हुआ, वन डे माई फादर ने मुझसे कहा कि तानसेन, मेरे बेटे, यू हैव टू वॉच दिस साइड टू द ग्रोव, मतलब आपको क्या देखना चाहिए, जो ये फ्रूट गार्डन है आप इसको देखो, और उसको बुलाते हैं, ठीक है, और यहाँ से क्या होते हैं, जो ट्रीज के ट्रीज से फ्रूट को चोरी कर लिया जाता है, मतलब लोग है ना चुरा कर ले जाते हैं, तो तुम इनका ध्यान रखो. सो आई सेट विद इन आर लिटल रेज्ड वॉशेस लुक आउट. वन डे आई हर्ड द रॉय ऑफ अ स्ट्रिकन टाइगर्स एज द नियर द विलेज इन सर्च ऑफ अ स्टोलन कब्स. I found a method to keep people away from my fruit grove. Now, day after day, I tried to give that roar until it became so perfect that my father fled from the grove on one occasion. After that, our fruits were safe. As soon as I heard anyone approaching with an intent to steal, I gave the roar and instantly he would the lose to view in the distance. अब क्या होता है, तो मैं क्या करने लग जाता हूँ, वहां पर बैठ जाता हूँ, ठीक है, जैसे मेरे फादर ने मुझे बोला कि ध्यान रखना है, लोग चुराने नहीं आए फ्रूट्स वगैरह को, तो मैं वहां पर बैठ जाता हूँ. तो अब मैं बैठ तो गया, तो एक बार क्या होता है, वहां पर एक है ना टाइग्रेस आती है, ठीक है, वो अपने कब को ढूंढती हुई आती है. कब मतलब होता है टाइग्रेस का जो बच्चा होता है, उसको ढूंढते हुए वहां पर आती है, तो उसकी आवाज सुनाई देती है, तो लोग वहां पर नहीं आते क्योंकि उनको डर लगता है कहीं हमें खा जाएगा ना. तो इस तरह से जो टाइगर्स है वो उनको खाना जाए इसके डर से वो वहाँ पर आए नहीं, ग्रोव के अंदर नहीं आए. तो मेरे को एक ट्रिक सूझी कि मैं भी ऐसे ही करने वाला हूँ, मैं भी टाइगर्स की आवाज़ निकालूंगा जिसके डर से लोग ग्रोव के अंदर आएंगे ही नहीं. तो मैं क्या करने लग गया, एज सून एज आई हर्ड एनी वन अप्रोचिंग, मतलब जैसे ही लगता आपको कि कोई आ रहा है, तो मैं पेड़ पर चढ़ जाता और वहाँ पर रोर की आवाज़, दहाड़ने की आवाज़ निकालने लग जाता, तो इस वजह से लोग वहाँ पर नहीं आते थे चुराने के लिए. One evening, as I sat in the washes doing my duty, I saw through the trees a band of men coming towards the grove. I gave my roar and all, save one, fled. But this one made straight towards me, looking not at me, but into the undergrowth. I shall never forget the love in his face. I had heard the stories of these holy men who... So, एक बार एक इवनिंग में क्या हुआ, एक शाम को जैसे मैं बैठा हुआ था वॉश शेड पर, ठीक है, वॉश शेड पर बैठा हुआ था, अपनी ड्यूटी कर रहा था और जैसे मैं लोगों का ध्यान रख रहा था, तो मैं वैसे ही बैठा हुआ था. तो जैसे ही कोई आता है वहाँ पर, ठीक है, एक सेंट आने लग जाता है वहाँ पर, और मैं वैसे ही रोड की आवाज़ निकाल रहा हूँ, लेकिन वो तो डर के पीछे जा ही नहीं रहा, वो आराम से स्ट्रेट टूवर्ड्स मी, मतलब मेरे पास आते ही जा रहा था, और लुकिंग नॉट एट मी, और मुझे देख भी नहीं रहा था, ठीक है, और वहाँ से ही अंडरग्रोथ के नीचे से वो निकल रहा था. I shall never forget the love in his face. मतलब उसके जो चेहरे पर जो एक तेज था, एक प्यार था, मैं उसको आज तक भूल नहीं पाया हूँ, ठीक है, मैंने वो ऐसा प्यार देखा था. I had heard the stories of these holy men. और मैंने holy men की ये स्टोरी भी काफी सुनी हुई थी. Who feared neither man nor beast. And how by their love the taint of the world was banished from their heart. The scent struck at the thickest with his staff to look for the tiger, then turned and looked at me laying in the shade and said, What are you doing there, my little man? Have you no fear of the tiger that seems to be lurking near here? So, वहाँ पर वो जैसे ही आते रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था उनको किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता है ना, क्योंकि मैंने उनकी स्टोरी सुनी हुई थी, ना तो किसी मैन से डरते थे, ना किसी बिस्ट से डरते थे, और किस तरह से जो वो बस हमेशा अपना प्यार ही दिखा रहे थे कि वर्ल्ड के अंदर उन चीज़ों को ही शो करते रहते थे.
तो ऐसा लग रहा था उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है लोगों के लिए। जो सेंट है वो आते आते उन्हीं थीके से वहाँ से निकलने लग जाते हैं और उनको भी ऐसे टाइगर की आवाज़ में दिए जा रहा हूँ, लेकिन वो तो कुछ देख ही नहीं रहे। अब वो देखते हैं ऊपर, ठीक है, जैसे उनको देखा, उन्होंने देखा कि ये बैठा हुआ है तो पूछने लग जाते हैं, व्हाट आर यू डूइंग देयर, कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो माई लिटिल मैन, तुम्हें डर नहीं लगता, टाइगर की आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है, तो तुम्हें डरना चाहिए और क्या पता वो तुम्हें काट भी ले, ठीक है, मतलब वो तुम्हें मार भी सकता है, लर्किंग नियर हेयर, और वो यहीं आसपास घूम रहा है। ओह नो, आई आंसर्ड, आई एम हेयर टू गार्ड माई फादर्स फ्रूट ग्रोव फ्रॉम द बोल्ड थीव्स दैट स्टाइप देम, देयर इज नो टाइगर हेयर सर, आई रोर एट देम एंड दे थिंक इट इज अ टाइगर एंड फ्ली फ्रॉम हेयर एंड सो माई फादर्स ट्रीज आर सेफ। तो बोलता है, वो बताने लग जाता है, आंसर बोलता है, ओह नो, मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गार्डनिंग कर रहा हूँ, एक तरह से यहाँ पे गार्ड बनाऊ, चौकीदारा कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रख रहा हूँ, गार्डन, तो ध्यान रख रहा हूँ अपने फादर्स के फ्रूट ग्रोव का, ताकि कोई यहाँ से कोई थीव्स ना आ जाए, कोई चोर ना आ जाए और फ्रूट्स लेकर ना जाए। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर बैठे बैठे, मैं खुद ही रोर कर रहा हूँ, मैं ही दहाड़ रहा हूँ यहाँ पर, और मैं ही टाइगर बना हुआ हूँ, क्योंकि ऐसा करने से लोग यहाँ पर नहीं आते और जो मेरे फादर्स के ट्रीज हैं वो सेफ हो जाते हैं। द सेंट लाव्ड हिज हर्ट आउट एट वट आई सेड, ही लिफ्टेड मी फ्रॉम द कोट एंड हॉइस्टेड मी अपॉन हिज शोल्डर्स, वॉक टूवर्ड्स माई हाउस वेयर ही सोनर्स फ्रॉम द नाइट, माई फादर एंड मदर फेल्ट देमसेल्व्स ब्लेस्ड बाय हिज प्रेजेंस, ही हैड सीन पॉसिबिलिटीज इन द वॉइस ऑफ द चाइल्ड दैट कुड ईजिली इमिटेट द रोर ऑफ अ टाइगर, ही प्रोमिस्ड माई फादर द रिवॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड फेमस सिंगर्स फॉर द सेक्रीफाइस ऑफ हिज सन, द नेक्स्ट डे ही लेफ्ट एंड आई वेंट विद हिम, so I lived with him and learned from him. This great saint singer Haridas taught me, showering his affectionate love on me, until you, O sir, heard my poor voice and took me to your court and gave me refuge in your mighty heart. So वो बताने लग जाते हैं कैसे जो saint है उसकी बात सुनकर हंसने लग जाता है कि कैसे ऊपर बड़ा बैठा हुआ है, रोर कर रहा है, कैसे जो ग्रूव है उनके लिए गार्डनिंग कर रहा है, एक तरह से गार्ड बना बैठा हुआ है, तो सारा ऐसे ऐसे बात करने लग जाते हैं। तो वो जो सेंट है वो सारी बात सुनकर हंसने लग जाता है और उसको वहाँ से लिफ्ट कर लेता है, ही लिफ्टेड मी, ठीक है, मुझे पकड़ लेता है और पकड़ कर मुझे लेकर कहाँ जाता है, अपने शोल्डर पर बिठा के और ऐसे हवा में लहराते हुए और चला जाता है मेरे घर की तरफ, ठीक है। तो मेरे घर पर जाता है, मेरे फादर मदर सब उनसे मिलते हैं, ठीक है, सब उनसे ब्लेसिंग लेते हैं, सब बहुत खुश हो जाते हैं उनको देखकर। और फिर वो क्या बोलते हैं, ही हैड सीन पॉसिबिलिटीज़ इन द वॉइस, मतलब उनको लग रहा कि मेरी आवाज़ सुनकर कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ है इस बच्चे के लिए कि आगे जाकर ये क्या करेगा, क्योंकि अगर ये शेर की आवाज़ टाइगर की आवाज़ निकाल सकता है तो इसका मतलब ये और अच्छा कुछ भी कर सकता है अपनी वॉइस के थ्रू। तो प्रॉमिस करते हैं, ही प्रॉमिस्ड माय फादर, कि इसको कहीं ना कहीं क्या मिलेगा आगे जाके, रिवॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड फेमस सिंगर मिलेगा, मतलब फेमस सिंगर के लिए इसको रिवॉर्ड मिलने वाला है कि इसने किस तरह से सेक्रीफाइस, आपके जो सन है वो किस तरह से सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उस सेक्रीफाइस के लिए इसको रिवॉर्ड मिलेगा। सो नेक्स्ट डे ही लेफ्ट एंड आई वेंट विद हिम, ठीक है, नेक्स्ट डे वो चले जाते हैं और मैं भी उनके साथ चला जाता हूँ। फिर क्या करते हैं, आई लिव्ड विद हिम, मैं हमेशा उनके साथ रहने लग जाता हूँ, मैं उनसे सीखता हूँ और किस तरह से उन्होंने मुझे पूरा सब चीज़ें पूरा प्रॉपर तरीके से टॉट की, ठीक है, अपना शाउरिंग किया हिज अफेक्शनेट लव का, कि मुझे जो भी उनके अंदर प्यार था, दया भाव था, वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने मुझे सिखाया, ठीक है, मेरे ऊपर शाउरिंग की, ओ सर। और फिर क्या बोलता है, हर्ड माई पुअर वॉइस, कि आपने मेरी जो बेकार आवाज़ सुनी है, लुक मी टू योर कोर्ट, ठीक है, आपके जो कोर्ट में मेरी आवाज़ सुनते हैं तो आप तो मुझे क्या करने वाले हो, रिफ्यूज़, एक तरह से शेल्टर में भी नहीं रखते कि मेरी आवाज़ कैसी है, ये तो उनकी ब्लेसिंग्स हैं। टू डेज लेटर द किंग एंड द सिंगर फाउंड देमसेल्व्स एट देयर जर्नीज एंड, दे वर एट वृंदावन, द होलीएस्ट ग्राउंड इन ऑल इंडिया, द मोस्ट स्केयर्ड स्पॉट वेयर लॉर्ड कृष्णा वॉक्ड एंड टॉक्ड, In the forest of Vrindavan, before a small hut, they beheld a man sitting in deep meditation, hands folded on breast, head lifted high, eyes closed, and on his brow glowed like the sun's first waking. See, it's he, my guru, the saint singer, whispered Tan Sen's, reverently wait here, O sir, behind these bushes, and I will see how it can be brought about that you shall hear this voice so gloriously, beautifully, and yet so often silent in the presence of the idly curious. Gold, nor jewelers, nor titles can bring it from that golden throat. But the smallest actions of love will set it vibrating to the pulses of nature's heart.
No, so saying, the singer prostrated himself low before his guru, who rapt and meditation saw him not, nor heard him. Then, lifting up his head, Tansen burst for the skier songs which his guru had taught him years ago. Louder and louder rang the tone. Sweeter and sweeter grew its beauty until suddenly he broke the golden. तो उसके बाद वो क्या करने लग जाते हैं, वहाँ पर जैसे ही पहुँचते हैं, ठीक है, जो राजा होता है, एम्परर होता है, और वो कहाँ पर पहुँच जाते हैं, दो दिन के बाद पहुँच जाते हैं, किंग और सिंगर उस जगह पर पहुँच जाते हैं, अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब वो कहाँ पर थे, वृंदावन में पहुँच चुके थे। वो क्या था, सबसे होलीएस्ट ग्राउंड है बच्चे, होलीएस्ट मतलब एक पवित्र स्थान है, जो किसके लिए माना जाता है, लॉर्ड कृष्णा के लिए, है ना, वहाँ पर ही उन्होंने वॉक्ड किया है, टॉक्ड किया है उसने वहाँ पर ही। तो फॉरेस्ट के अंदर, जो वृंदावन के फॉरेस्ट है, वहाँ पर वो चले जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने से पहले बिफोर अ स्मॉल हट, ठीक है, तो देखते एक स्मॉल हट है, और वहाँ पर देखते हुए बिहोल्ड अ मैन सिटिंग इन डीप मेडिटेशन, और उसी पर सामने ही, जैसे वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बच्चे, कि वहाँ पर ही कौन बैठे रहते हैं, संत बैठे रहते हैं, ठीक है, और वो कैसे मेडिटेशन में, डीप मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, हैंड्स उन्होंने फोल्ड किए हुए हैं ऑन ब्रेस्ट, एंड हेड, जो उनका हेड लिफ्टेड हाई, उनकी जो आंखें हैं वो बंद हैं, तो एक तरह से पूरा जो ग्लो है, ठीक है, कैसा है उनका तेज, जो कैसा लग रहा है, सन्स फर्स्ट वेकिंग, ऐसा लग रहा है जो सूरज है सुबह सुबह जब उठता है, तो वैसा तेज उनके मुँह पर, उनके मुख पर दिखाई दे रहा है। देखो इट्स ही, तो ऐसे वो तानसेन क्या बोलता है, ये है मेरे गुरु, ये है सेंट सिंगर, ठीक है। इस तरह से आराम से तानसेन जो है वो एम्परर के कान में बोलने लग जाता है, रिमेंटली वेट हियर ओ सर, तो थोड़ा सा इंतजार करो, बिहाइंड दिस बुशेस, ठीक है, ऐसे बुशेस के पीछे से वो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना झाड़ी, बुशेस क्या होती है बच्चे, झाड़ी, झाड़ियों के पीछे से आराम से वो देख रहे हैं, और देखते हुए उनकी वॉइस को, आई विल सी हाउ इट कैन बी ब्रॉट अबाउट दैट यू शैल हियर दिस वॉइस ग्लोरियसली ब्यूटीफुल, आप उनकी आवाज़, जो प्यारी सी आवाज़ है, आप उनको सुन पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चुपचाप से खड़े रहना है, और वो कैसे हैं, आइडली क्यूरियस गोल्ड नॉट ज्वेल्स नॉट टाइटल्स कैन ब्रिंग इट फ्रॉम गोल्डन थ्रॉट, उनका जो गला है वो कैसा है, गोल्डन मतलब एक तरह से बोल सकते हैं सुनहरा गला, कि उससे बहुत मधुर आवाज निकलती है, जो क्या फैलाती है, जो रोशनी फैलाती है, जैसे सूरज की किरणें होती है ना बच्चे, तो कैसी होती है, स्टार्टिंग में येलोइश होती है, तो गोल्डन कलर की, वैसे ही वो जैसे ही मुख से अपनी आवाज निकालते हैं, तो वो पूरी तरह फैला देते हैं हर जगह वो रोशनी को। स्मॉलेस्ट एक्शन ऑफ लव विल सेट इट वाइब्रेटिंग टू द पल्सेस ऑफ नेचर्स हार्ट, और सेइंग, और उस तरह से वो बोलते हुए क्या बोलते हैं, और क्या कह रहे हैं, कि सिंगर प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ लो बिफोर हिज गुरु, और गुरु के सामने वहां पर जाकर बैठ जाते हैं, एक रैप्ड इन मेडिटेशन, सो हिम नॉट नॉर हर्ड हिम, ठीक है, ना तो उसको देखते हैं और ना ही उनको सुनते हैं। देन लिफ्टिंग अप हिज हेड, जैसे अपना हेड उठाते हैं, तानसेन बर्स्ट फोर्थ इन अ स्केयर्ड सॉन्ग विच इट्स गुरु हैड टॉट हिम, और वो गाना गाने लग जाते हैं जो बहुत साल पहले उन्होंने तानसेन को सिखाया था, और ज़्यादा लाउड और स्वीट इस तरह से वो गाने लग जाते हैं, इट्स ब्यूटी अंटेस्ट, और सडनली ही ब्रॉक द गोल्डन। नोट्स, इट वॉज लाइक हार्श डिस्कॉर्ड जियर्ड ऑन द लिसनिंग ईयर, एंड द सैंड सिंगर्स ओपन हिज आईज एंड स्पोक, अब क्या करते हैं, जैसे उसने गाना शुरू किया तो बहुत भद्दी सा गाया है ना, तो अब उनके कानों में आवाज जाती है और वो क्या बोलने लग जाते हैं, सैंड सिंगर ओपन हिज आईज, मतलब उसे अपनी आंखें को खोल लेते हैं और बोलते हैं, यू आर आउट ऑफ की, यू डिस्ट्रॉयड द ब्यूटी ऑफ साउंड, ओ तानसेन्स, यू हु वर सो परफेक्ट आर इम्परफेक्ट एंड डिस्कॉर्डेंट, योर गोल्डन थ्रॉट हैज लॉस्ट द सोल ऑफ हार्मनी, तो बोलते हैं तुम कैसा गाना गा रहे हो, इतना इम्परफेक्ट तरीके से, ठीक है, इतना बेकार तानसेन, ये तुम्हारी आवाज़ तो नहीं लग रही, और क्या है, ब्यूटी ऑफ साउंड को आप भूल चुके हो, तो इस तरह से वो उसको बोलते हैं कि जो तुम्हारा गोल्डन थ्रोट है, योर गोल्डन थ्रोट हैज लॉस्ट द सोल ऑफ हार्मनी, द सिंगर हु पर्पसली हैड मेड द हार्श डिस्कॉर्ड सेड, ओ गुरु आई प्रे यू सिंग द स्ट्रेन्स दैट आई मे अगेन ब्रिंग इट टू मेमरी, तो बोलते हैं कि आप है ना गुरु प्लीज़ मेरे लिए दोबारा गाना गा सकते हैं, ताकि मुझे याद आ जाए कि मुझे कैसे कैसे गाना है, तो इसलिए शायद मैं थोड़ा अच्छा नहीं गा पा रहा। देन द गुरु लिफ्टेड हिज वॉइस एंड पेल्ड फॉर द हारमोनीज ऑफ हेवनली साउंड, इट टोल्ड ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ द स्टार्स, ऑफ द मैरिज ऑफ अर्थ एंड सीज, ऑफ द वीविंग्स ऑफ लव, ऑफ द बर्थ ऑफ टाइम एंड द क्रोइंग ऑफ एल्टरनिटी, ऑफ द क्रिएशंस ऑफ गॉड्स एंड ही डांस ऑफ लव, ई स्टेप ऑफ विच इज मेकिंग ऑफ यूनिवर्स, ई सर्कल्स ऑफ विच इज द म्यूटिबल्स लो देयर ऑफ,
तो जैसे ही गुरु जो है वो अपनी आवाज को उठाते हैं गाने के लिए, तो कैसी आवाज हो गई कि बिल्कुल ही क्या हो गया, हारमोनीज ऑफ हेवनली साउंड, कि ये तो स्वर्ग से आवाज आ रही है, ठीक है ऐसा। और उनकी जो आवाज थी सॉन्ग ऑफ स्टार्स, मतलब ऐसा लग रहा था कौन गा रहे, तारे गा रहे हैं। ही टोल्ड ऑफ द सॉन्ग ऑफ द स्टार्स, और ये मैरिज है अर्थ एंड सीज की, वीविंग ऑफ लव ऑफ बर्थ ऑफ टाइम एंड क्राउनिंग ऑफ एटर्निटी एंड क्रिएशन ऑफ गॉड्स है, ये डांस ऑफ लव है, ईच स्टेप ऑफ विच इज मेकिंग ऑफ अ यूनिवर्स। तो इस तरह से पूरा जो हम देख रहे हैं ना, किस तरह से वो बखान कर रहे हैं कि कितना प्यारा तरीके से उन वो गाना शुरू किया है। एंड एज ही सैंग अकबर फेल ऑन द ग्राउंड ड्रंक विद द एक्सक्विसाइट नेक्टर्स, द पीपल स्टूड रैप्ड इन द डिवोशंस बिफोर दैट सेंट सिंगर्स, एंड व्हेन द सिंगिंग सीज्ड एंड इट्स स्वीटनेस स्टिल्स throbbed through the silence of the evening, Tansen's hushed voice said to the holy man, the emperor has come to pay you homage, O Guru. अब जैसे ही वो क्या करते हैं, as he sang, जैसे वो गाते हैं, जो अकबर है वो ऐसा लगता है वो drunk होकर नीचे गिर गया है, मतलब इतना ज्यादा कि उसने शहद पी लिया हो, है ना। शहद के साथ executive nectar क्या होता है बच्चे, नेक्टर होता है शहद, ठीक है। ऐसा लग रहा था वो कितनी मधुमक्खी के एक तरह से छत्ते में ही पूरी तरीके से खो गया है, पूरा इस तरह से उसको फील हो रहा है पूरा स्वीटनेस के अंदर। और जो प्यूपल स्टूड रैप्ड इन द डिवोशन बिफोर द सेंट सिंगर, और उसको पूरा प्रेज करते हुए वो उसकी स्वीटनेस में खो चुका है। अब वहाँ पर देखते हुए जो तानसेन्स है वो हर्ड वॉइस सेट टू द होली मैन, इस तरह से बोलते हुए और जो हर्ड वॉइस थी उसको बताते हुए आगे बढ़ते हैं और क्या बोलते हैं, द एम्परर हैज़ कम टू पे यू होमेज ओ गुरु। And when Akbar had taken leave of the humble sand and had walked a little with his singers, he said, you are right, Tansen, he is all that you say. You are a shadow, he is a sun. You are a brass, he is a gold. Why is the great difference and what is the cause behind it? Both of you have the sound of heaven in your voice, the gold of harmony in your tones. So like, yet so different. The difference, O sir, answered Tansen, it vast as you say, but the cause is simple. I sing to please an earthy king. He sings to please the kings of king. So, यहाँ पर क्या बोला? तो जैसे अकबर है वहाँ पे पूरी आवाज़ सुन लेता है और वहाँ पर किस तरह से मग्न हो जाता है, तो अब अकबर को जाना होता है ना, तो वह वापस लौटने लग जाते हैं, तो वहाँ से परमिशन लेते हैं उस एंड से और हम्बल होते हुए वहाँ से निकल लेते हैं। और निकलने के बाद जैसे ही रस्ते में बातें होती है ना, तो बोलते हैं तानसेन तुम तो बिल्कुल सही बोल रहे थे कि बिल्कुल तुम सही बोल रहे थे कि वो क्या है, वो तो ऐसा लगता है तुम शेडो हो और वो सन है, और तुम ब्रास हो और वो गोल्ड है, ठीक है, इतना डिफरेंस है तुम्हारे अंदर। उनकी जो वॉइस है साउंड ऑफ हेवन, ठीक है, दोनों की आवाज ही ऐसी है। बोथ ऑफ यू हैव द साउंड ऑफ हेवन इन योर वॉइस, गोल्ड ऑफ हार्मनी इन यू, जो तुम्हारी टोन्स है उसमें क्या लगता है, गोल्ड ऑफ हार्मनी। सो लाइक येट सो डिफरेंट, और क्या बोलते हैं फिर जो तानसेन सर बोलता है, द डिफरेंस, हाँ यही डिफरेंस है, यही अंतर हो सर, आंसर तानसेन, इज वास्ट एज यू से, ठीक है, जितना आप बोलते हो ना और बता रहे हो, बट द कॉज इज सिंपल, मतलब जो आप बोलते हो और जो कॉज है उसका रीजन है वो बिल्कुल सिंपल है। आई सिंग टू प्लीज एन अर्थली किंग, मैं किसके लिए गाता हूँ, मैं आपके लिए गाता हूँ, राजा के लिए गाता हूँ, वो अपनी खुशी के लिए गाते हैं, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं, इसलिए वो राजाओं के भी राजा हैं। और इस तरह से वो चैप्टर को और इस तरह से अपनी वाणी को विराम देते हुए एंड करते हैं। और ये चैप्टर बच्चे किसके थ्रू लिखा गया है, रॉस रेनॉल्ड्स एंथन के थ्रू, ठीक है। तो इसको रीड आउट करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे और इसे रिलेट करते हैं एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ।